नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। पंच से मुख्यमंत्री, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सियासी सफर ऐसा ही है। बीजेपी ने साय को छत्तीसगढ़ का मुखिया चुना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। प्रदेश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर विष्णुदेव साय ने सीएम बनाने पर आलाकमान का आभार जताया, साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। साय ने कहा कि 19 लाख गरीबों को मकान दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनका सबका मैं आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बीजेपी ने पहली बार प्रदेश में आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का ऐलान किया है। साय जमीनी स्तर के नेता हैं। चलिए आपको पंच से मुख्यमंत्री बनने का सफर बताते हैं। साय का सियासी सफर पंच से सीएम तक। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया से पंच बने। ग्राम पंचायत बगिया से 1990 में सरपंच बने। 1990 से 1998 तक तपकरा से विधायक चुने गए। 1999 में रायगढ़ से सांसद का चुनाव जीता। 2004 में फिर से रायगढ़ से सांसद बने। 2006 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2009 में रायगढ़ से सांसद चुने गए। 2011 में फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। सीएम के बाद अब प्रदेश में डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अब इसका फैसला सीएम पर है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और देखिए, इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव, और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का, इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। थोड़ी बात आप ही चिंता करते रहिए, हमारे यहाँ डीसीएम का, अब ये मुख्यमंत्री की बात चली गई बोल, वो बनाए नहीं बनाए वो उनकी मर्जी, मैं कहा हूँ इसमें। अब मुख्यमंत्री की निर्णय, अब ये मुख्यमंत्री तय करेगा सारी। अब इंतजार शपथ ग्रहण का है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर चर्चा करेंगे। पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुना गया। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय। विष्णुदेव साय नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के दावों और वादों को पूरा करेंगे। अब मुख्यमंत्री के तौर पर साय को खुद को साबित करके दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और चलिए बढ़ते आगे और भोपाल से बड़ी खबर की करेंगे बात। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है भोपाल में। दोपहर के बाद विधायकों की बैठक बुलाई गई है और विधायकों के लिए इसके लिए खास तौर पर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। दोपहर 1 बजे से विधायकों का रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू हो जाएगा और 163 विधायकों का ग्रुप फोटो सेशन होगा और उसके बाद ग्रुप फोटो सेशन के बाद ये बैठक शुरू होगी। लेकिन साथ ही साथ गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि बैठक से पहले प्रतिक्रिया देने पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी ने विधायकों को प्रतिक्रिया देने से रोक दिया है। कल होने वाली विधायक दल की बैठक को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे थे और उन्होंने तैयारियों को भी देखा है, समझा है। ग्रुप फोटो सेशन भी यहां पर होगा। 163 विधायक हैं। आपको बता दें कि प्रतिक्रिया देने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके पहले कुछ लोगों की प्रतिक्रिया तो सामने आ गई, जिसमें एक मालिनी गौर जो हैं उनके लिए भी, मालिनी गौर जो हैं उनकी प्रतिक्रिया, और उन्होंने तो शिवराज सिंह चौहान के नाम का समर्थन तक कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जनता की और मेरी आवाज यही है। चलिए आप प्रोफाइल जरा समझ लेते हैं कि क्या जो बैठक कल होने वाली है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसी को लेकर बैठक होने वाली है। इसमें प्रोफाइल सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की आती है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भी हैं और 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं अब तो। और इसका अगर उनका अभी तक का पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो 75 से करियर शुरू किया बतौर मुख्यमंत्री। सबसे लंबा अनुभव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। 2005 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा 5 बार सांसद के पद पर उन्हें जीत मिली है, तो बहुत बड़ा अनुभव है। संघ के करीबी सीएम शिवराज सिंह चौहान माने जाते हैं। प्रदेश में सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लेते हैं। क्यों है सीएम फेस? क्योंकि पार्टी में उनका बड़ा कद है। चंबल रीजन में सबसे बड़ा चेहरा है। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रदेश के कार्यकर्ता से जान पहचान सब कुछ है। सरकार और संगठन का अनुभव भी उनको है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ये केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व से अच्छे संबंध भी हैं। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो बीजेपी को जीत मिली है, और पार्टी में उनका कद जो है वो बेहद बड़ा माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो कार्यकर्ताओं को समझते हैं, पार्टी को समझते हैं। लोकल लीडरशिप है, उससे बहुत अच्छे संबंध हैं। चंबल रीजन में भी अच्छा खासा उनका दबदबा है। सरकार और संगठन का भी उनको अनुभव है। अब बात कर लेते हैं अगले नाम की। कैलाश विजयवर्गीय एक और नाम है जिनका नाम चर्चा में है। 6 बार के विधायक कैलाश विजयवर्गीय रह चुके हैं। राज्य सरकार में काम करने का अनुभव है क्योंकि मंत्री भी राज्य सरकार में वो रह चुके हैं, लोक निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं, सिंहस्थ की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी भी हैं, भरोसा केंद्रीय नेतृत्व जताता रहता है, और साथ ही साथ महासचिव हैं, और साथ ही साथ उनको प्रभारी बना करके अलग अलग राज्यों में भेजा गया है, वहाँ उन्होंने पार्टी के मन मुताबिक काम भी किया है, तो ये एक और चेहरा है। प्रहलाद पटेल की बात कर लेते हैं। प्रहलाद पटेल सीएम फेस क्यों है? 5 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। हर परिस्थिति में फिट बैठने वाले नेताओं में उनका नाम सबसे अव्वल दर्जे पर लिया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं, पार्टी जो कहती है निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान होती है। कद जितना उनका ऊंचा है उतना ही राजनीति में भी कद ऊंचा है। नरसिंहपुर विधानसभा चुनाव सीट से उन्होंने चुनाव जीता है, तो ये भी एक उनकी, और साथ ही साथ उनकी छवि जो है वो सौम्य छवि वाले नेता माने जाते हैं। तो हर परिस्थिति में फिट बैठने वाले नेताओं में अगर कोई नाम है तो प्रहलाद पटेल का भी नाम है, और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी और केंद्रीय मंत्री खुद रह चुके हैं, तो बहुत कुछ समझ है कामकाज की। और बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बड़ा बयान भी दिया है और कहा है कि नई जिम्मेदारी को लेकर वो तैयार हैं। प्रहलाद पटेल ने दमोह के लोगों से प्यार बरकरार रखने की बात भी कह डाली है, साथ ही जीत के लिए लोगों का आभार भी उन्होंने जता दिया। अपनी पार्टी की विजय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने मुझे खूब सम्मान दिया, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक दिन में जो नई व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में जो भी मुझे उत्तरदायित्व मिलेगा उसके आधार पर, लेकिन दमोह के लोगों के लिए मैं जैसे प्रहलाद पटेल पहले थे वैसे ही रहेंगे, ये जरूर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बात अयोध्या पर्व की राजनीति के बाद अब बात प्रभु श्री राम की।
जी हाँ, अयोध्या पर्व, क्योंकि अयोध्या सज रही है, अवध में श्री राम आ रहे हैं। रामनगरी में क्या हैं तैयारियां, आइए नजर डालते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रामलला का गर्भगृह स्थान लगभग तैयार हो चुका है। इसके साथ ही राम मंदिर में लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। तो अयोध्या में भव्य रामकाज के साथ ही व्यापार को भी पंख लग रहे हैं। जब से अयोध्या में सनातन के सबसे बड़े महापर्व की तारीख घोषित की गई है, तब से अयोध्या में राम भक्तों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। श्रद्धालुओं की इसी शक्ति ने सनातन परंपरा को एक अहम हिस्सा कहे जाने वाली तुलसी की माला की बिक्री भी बढ़ा दी। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब से रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रही हैं। रामलला के मंदिर निर्माण के साथ ही अब बुजुर्गों के साथ ही युवा भी मठ मंदिर और सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सनातन संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग है तुलसी, सनातन परंपरा में जिसका अपना एक अलग स्थान है, जिसे वैदिक काल से ही महत्व दिया जाता है। ये प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है इसका, और भगवान शालग्राम को ये चढ़ाई जाती है। इसके बाद में जो चढ़ी हुई है वो प्रसाद में भी वितरण होती है, और 11 बजे ठाकुर जी को भोग लगता है उसमें ही लगाई जाती है, और इसके बाद में रात्रि में भोग लगता है। और यदि ये पेड़ जब सूख जाता है तो इसका माला बनता है, छोटा भी बड़ा भी, और ठाकुर जी को धारण करा के फिर हम लोग प्रसाद रूप में धारण करते हैं इसको। वैसे भी अयोध्या के बाजारों में राम नाम की धूम मची है। भगवान राम की नगरी में तुलसी की माला का व्यापार लाखों में हुआ है। जब से रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे अब श्रद्धालु सनातन संस्कृति से जुड़े हुए भगवान से संबंधित सामानों से भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त श्रद्धालुओं में तुलसी की माला पहनने का क्रेज काफी बढ़ा है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही व्यापार को भी पंख लगे हैं। सनातन सभ्यता की ओर श्रद्धालु के झुकाव ने लोगों की आजीविका को भी बदल दिया है। अयोध्या के व्यापारी इसके लिए ऑन डिमांड भी मालाओं का निर्माण करा रहे हैं। तुलसी की माला की डिमांड देश तक ही नहीं विदेशों तक हो रही है। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, तब से बड़े बड़े बच्चे 15-20 साल से लोग आ रहे हैं और देखते हैं तो कहते हैं हमको तुलसी की माला चाहिए, इतने डिजाइन के चाहिए, ऐसा बनाइए, भगवान का रूप दे करके बनाइए। और अमेरिका, आयलैंड, थाईलैंड, ये सब लोग आ रहे हैं और माला का रूप ले करके जा रहे हैं, वहाँ प्रचार करते हैं कि हमको 4 माला चाहिए 3 माला चाहिए और हमको चाहिए, प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं। संतों और महंतों की माने तो इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें मठ मंदिरों में भी जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो संतों से रुद्राक्ष की और तुलसी की माला मांगते हैं। एक बात तो साफ है, भगवान के भव्य मंदिर के साथ अब युवा भी अध्यात्म से जुड़ता नजर आ रहा है, संत भी जिसका स्वागत कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नौजवान भाई बहनों का, सिर्फ नौजवान साथी ही नहीं, नौजवान भाई बहन, इसके अलावा देश से। मैंने देखा अभी जब कई देशों के लोगों को बुलाया गया था दीप उत्सव में, तो कुछ लोग अयोध्या में 40 देशों से लोग आए हुए थे, और सबके मस्तक पर चंदन, और चंदन में भी राम नाम लिखा हुआ खूब सुंदर, गले में कुछ न कुछ मालाएं, मालाएं में अयोध्या से चाहे रुद्राक्ष की मिल जाए, अक्सर मैं देखता था, लेकिन अब अयोध्या में देखता हूँ अक्सर तुलसी जी की माला धारण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है,
गर्व की बात है कि सनातनी जगे। मान्यता है कि शास्त्रों में जितना महत्व तुलसी का है उतना ही महत्व तुलसी की लकड़ी से बनी माला का भी है। जिस तरह तुलसी का पौधा घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, वैसे ही तुलसी की माला साधक की संकटों में रक्षा करती है। बस यही भाव भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर पुणे का एक युवक साइकिल पर सवार होकर अयोध्या जा रहा है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल होना चाहता है। इतना ही नहीं, वो रास्ते भर में लोगों को सनातन के प्रति जागरूक भी कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। रोज मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर उत्साहित है और अब सभी को इंतजार है उस पल का जब रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस घड़ी को लेकर कितना उत्साह है इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 साल का यह लड़का महाराष्ट्र पुणे से अयोध्या तक की साइकिल यात्रा पर निकला है, जो रास्ते में मिलने वाले लोगों को सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है। साथ ही उन्हें 24 जनवरी को भगवान रामलला के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दे रहा है। ये युवक पिछले 17 दिनों से लगातार साइकिल से यात्रा कर रहा है। ये युवक 15 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा और राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम पूरा होने तक अयोध्या में ही रहेगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला बलराम वर्मा महाराष्ट्र के पुणे में कैंटीन में छोटी सी नौकरी करता है। वो पिछले एक साल से रामलला के मंदिर में विराजमान होने की खबरें सुन रहा था। जब तारीख तय हो गई तो उसने अयोध्या जाने का मन बना लिया। कैंटीन का काम छोड़कर वो साइकिल से अयोध्या के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो शिरडी पहुंचा, जहां बाबा का आशीर्वाद लेकर ये यात्रा शुरू की। इसके बाद वहां से शनि सिंगनापुर से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। ये बागेश्वर धाम चित्रकूट होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। ये रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहा है। रास्ते में वो खंडवा में स्थित नर्मदा नदी किनारे ओंकेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां पूजा अर्चना करने के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और फिर उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के बाद वो सागर से होते हुए बागेश्वर धाम जा रहा है। इसके बाद चित्रकूट होते हुए अयोध्या जी पहुंचेगा। बलराम वर्मा इस दौरान करीब 2000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा करेगा। बलराम एक दिन में 50 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेता है। शाम के समय जहां पर मंदिर या कोई धर्मशाला होती है तो वहां पर वो पड़ाव लेता है। वहीं जिन लोगों को पता चलता है कि वो अयोध्या तक जा रहा है तो लोग खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। बलराम वर्मा का कहना है कि जनवरी के महीने में हिंदुओं को जगाने के लिए संत समाज का सनातन का मेला लग रहा है। हमें एकजुट होकर इसका मान सम्मान और भी अधिक बढ़ाना है। यही संदेश देने के लिए वो अयोध्या जा रहा है। न्यूज 18 के लिए अमित गौतम की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर कवर्धा से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो चली है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि विजय शर्मा को, जो कि पहली बार के विधायक हैं, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके बाद से कवर्धा में समर्थक जश्न मनाने लगे हैं, पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार भी वे कर रहे हैं। भगवान पे तो भरोसा था भैया, साथ में इनकी मेहनत थी और फिर जनता का आशीर्वाद था, बहुत अच्छा लगा। जिस पद पर हैं वो
भगवान पे तो यकीन था और इनकी मेहनत का रंग था जो आज निखर के आया है। आज एक बार फिर कवर्धा ने अपनी नई पहचान बनाई है और हमारे विजय भैया जो एक धुरंधर कहे जाने वाले अराजकता का माहौल बनाने वाले व्यक्ति को इस जिले से उन्होंने बाहर किया और जनता का आशीर्वाद और उनकी मेहनत आज पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। भाजपा ने फिर से उनकी मेहनत के अनुरूप उनको फिर से एक यथा स्थान दिया है और यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाजपा एक सामान्य कार्यकर्ता की पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता शून्य से लेकर शिखर तक पहुँच सकता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। आपको बता दें कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको वो सुनवाते। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि क्या आगे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, लेकिन बीजेपी को पता है और बीजेपी को पता था कि आगे छत्तीसगढ़ में किया क्या जाना है और कैसे होना है। और आप समझ लीजिए कि शायद तभी बहुत कुछ तय हो चुका होगा और आज जब नतीजे आए और उसके बाद मंथन आज जब किया गया नतीजों के बाद कि सीएम कौन होगा, जब ऑब्जर्वर 3 नियुक्त किए गए, वो रायपुर पहुंचे, बैठक हुई और तभी ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने उनके नाम का समर्थन कर दिया और इसी के साथ सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय का नाम तय हो गया। लेकिन ये कब तय हो चुका था कि साय को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये आप इस बयान में फिर सुनिए जब अमित शाह ने भरे मंच से ये बात चुनाव प्रचार में कही। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो इशारा तो तभी हो चुका था और आज उस पर मुहर लगने का काम भी हो चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है।